आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं टैली का सिलेबस के बारे में कि टैली में क्या क्या सिखाया जाता है। ओके, डीसी का सिलेबस, डीटीबी का सिलेबस हम बता चुके हैं आपको पिछले वीडियो में, दोनों सिलेबस हम बता चुके हैं। आज हम थर्ड सिलेबस आपको हम बता रहे हैं टैली के बारे में कि टैली में क्या क्या सीखा जाता है और सिखाया जाता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं टैली में। हम जितना भी अभी आपको कंटेंट हम बताएंगे सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है और इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, इसमें आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, और नया आप लोग इस वीडियो में या इस चैनल में आप लोग नया हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो टैली का कंटेंट के बारे में हम लोग जानने के लिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर देखेंगे कि उसका क्या क्या कंटेंट है, कितना आपका ड्यूरेशन लगता है, ठीक है, क्या उसमें स्कोप है, क्या क्या उसमें हम लोग को मिलेगा, टैली सीखने में क्या हम लोग को नॉलेज मिलेगा या फिर क्या कर सकते हैं, कितना महीना लगेगा, वो चीज़ सारा कुछ आप हमको जानना है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें देखिए टैली में बहुत डिफरेंट होता है ड्यूरेशन। जैसे अगर जो नॉर्मल इंसान लोग हैं, जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि अगर कॉमर्स जिसका नहीं है उन लोग का 3 मंथ्स लग जाते हैं, लेकिन जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड है अप्रोक्स 1 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, 1 महीना के अंदर कंप्लीट हो जाता है कॉमर्स बैकग्राउंड वाला लोग का, क्योंकि उन लोग को अकाउंट्स के बारे में नॉलेज होता है, और जिसको अकाउंट्स के बारे में नॉलेज नहीं है उन लोग का 2 महीना 3 महीना लग जाता है, लेकिन ड्यूरेशन शो किया जाता है 3 मंथ्स का। ओके, इससे हम लोग कंटेंट के बारे में जानेंगे कि टैली में कौन कौन से कंटेंट के बारे में जानना जरूरी है। ओके, हम लोग चलते हैं कंटेंट की ओर और इसी में हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को देखना है। हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आप देखिए क्या क्या आपका कंटेंट है टैली में, ठीक है। तो अभी देखिए आपका टैली ERP 9 सबको पढ़ते थे और सीखे भी होंगे, टैली ERP 9 लेटेस्ट में जो था वो अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। उसका लेटेस्ट वर्जन आया है टैली प्राइम, टैली अभी आपको सीखना होगा, टैली प्राइम के बारे में सीखना होगा और इसमें क्या क्या सीखना है वो चीज़ आपका कंटेंट दिया हुआ है। ओके, तो टैली ERP 9 ख़त्म हो गया, अब टैली प्राइम हो गया है। ओके, तो इसका जो टैली का फुल फॉर्म होता है, टैली का पूरा नाम होता है टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। ये चीज़ बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं टैली का फुल फॉर्म, कि टैली का फुल फॉर्म क्या होता है बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। ओके, तो इस समझ में आ गया टैली का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका स्कोप क्या होता है कि अगर टैली आप सीखते हैं तो क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं, है ना, बुक मेंटेन कर सकते हैं, बिलिंग वर्क कर सकते हैं, आपको बिल निकालना है तो ये सब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टैली सीखने में कितना महीना लगता है, तो टैली सीखने में आपको 3 महीना लगता है, ये हम बता चुके हैं। और ये भी हम बता चुके हैं आपको कि अकाउंट का जो बैकग्राउंड रहता है, जिसका अकाउंट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, तो बहुत ही कम समय में हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग समझ में आ गया कि टैली क्या है, टैली का फुल फॉर्म क्या होता है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसका स्कोप क्या है और कितने मंथ लग जाते हैं टैली सीखने में, ठीक है। तो टैली अगर जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला नंबर में आपको बताया जाता है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहला नंबर में हम लोग को जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग क्या होता है, यानी टैली क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, ये सब चीज़ के बारे में जानना पड़ता है। तो ये सब चीज़ को जैसे बारे में हम लोग जान जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है बेसिक थ्योरी आपका अकाउंटिंग के बारे में, उसके बाद आपको जानना होता है टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, यानी किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं, किसको क्या कहलाता है, वो सब चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे एसेट्स किसको बोलते हैं, लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, डेटर किसको बोलते हैं, क्रेडिटर किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ के बारे में पूरा कम्प्लीटली आपको जितने भी आपका टर्म्स है वो सब चीज़ के बारे में आपको जानना जरूरी है। ओके, तो जैसे सेकेंड नंबर कम्प्लीट होता है उसके बाद आपको जानना जरूरी है लेजर एंड ग्रुप, कि लेजर एंड ग्रुप होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे, तो उसको समझना भी है। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप लेजर एंड ग्रुप को याद कर सकते हैं। ओके, तो ये सब सारा चीज़ आप कंटेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप हमारा वीडियो डाला हुआ है, टैली कैसे सीखे, टैली ERP 9 कैसे सीखे, तो उसमें आपको हम ये सब सारा चीज़ बता चुके हैं। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं और टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी बताएं, ये भी आप प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। लेजर ग्रुप क्या होता है, कैसे हम लोग उसको समझते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आपको हम बता चुके हैं। ये जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद आपको सिखाया जाता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है,
है ना, यानी कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसका किसका क्या काम है, ये सब चीज़ के बारे में जानना पड़ता है। ओके, तो ये सब चीज़ आप अच्छे तरीके से जान लीजिएगा, और नहीं तो दिक्कत होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। उसके बाद है गोल्डन रूल्स, यानी अकाउंटिंग का क्या रूल है उस चीज़ को भी जानना जरूरी है, बिना रूल का कोई काम नहीं होता है। तो अकाउंटिंग रूल भी जानना जरूरी है। अकाउंटिंग में तीन रूल होते हैं, पर्सनल अकाउंट का, रियल अकाउंट का और नॉमिनल अकाउंट का। तीन रूल है, तीनों रूल के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे आप रूल समझ में आ जाता है आपको, उसके बाद आप उसी बेस पे आप जर्नल एंट्री करने के लिए सीख जाइएगा कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो कैसे काम होता है, कैसे हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या लिखना पड़ता है, ये सब चीज़ के बारे में जानना जरूरी है। जर्नल एंट्री जैसे कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि इन्वेंट्रीज में इन स्टॉक मेंटेन कैसे करेंगे, कैसे आपको परचेज करना है, कैसे आपको सेल्स करना है। ठीक है, यानी बिल आपको कैसे मेंटेन करना है, वो सब चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम लोग इन्वेंट्री अगर हम लोग स्टॉक मेंटेन करते हैं तो उसको देखेंगे कहाँ पे, तो उसको देखने के लिए स्टॉक समरी में आपको आना पड़ता है, और इससे आपको पता चलता है कि कितना हमारा स्टॉक है और कितना स्टॉक नहीं है, कौन कौन सा माल अभी हमारे पास अवेलेबल है, ये सब चीज़ आपको सारा कुछ बताया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस आप चेक करने के लिए आपको बताया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, किसको प्रॉफिट बोलते हैं, किसको लॉस बोलते हैं, कहाँ पे प्रॉफिट होता है, कहाँ पे लॉस होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, कैसे लॉस होता है, ये सब चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, नॉट नेट प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं, तो बैलेंस शीट में आपको पता चलता है कि हमारे पास कितना लाइबिलिटीज़ है और कितना एसेट्स है, ये सब चीज़ के बारे में भी जानना जरूरी है। इतना जानने के बाद आपको स्टॉक समरी के बारे में हम बता दिए कि स्टॉक समरी क्या है। उसके बाद आपका यहाँ से टैक्सेशन आ जाता है, ये सब चीज़ आपका टैक्सेशन है, जो कि इसको बोला जाता है एडवांस। ओके, यानी इसको ऐड किया जाता है एडवांस टैली, एडवांस टैली के रूप में आपको इसको ऐड किया जाता है। तो जीएसटी सबसे पहले नंबर में आपको जानना जरूरी है कि जीएसटी क्या होता है, इसमें जीएसटी कौन कौन से होते हैं, किसका किसका क्या रेट होता है, कितना रेट कटता है, कैसे सेटअप करते हैं, कैसे इसका बिलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ के बारे में, जीएसटी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना जीएसटी का आप कैसे काम कीजिएगा, आपको बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, जीएसटी जैसे सीखते हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है टीडीएस के बारे में, और टीडीएस के बाद टीसीएस आपको बताया जाएगा। टीडीएस का देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके अंदर में आते हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब सारा चीज़ कम्प्लीटली आपका काटा जाता है टैक्स के रूप में। ठीक है, तो तीनों के बारे में आप जान जाते हैं तो इतना काफ़ी है, और भी अदर जीएसटी होते हैं। फिर टीडीएस है, तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स डिडक्ट करना, इसके बारे में जानना जरूरी है कि कैसे हम लोग टैक्स को डिडक्ट करेंगे। और टीसीएस होता है टैक्स कलेक्टेड, यानी टैक्स को कलेक्ट कैसे करेंगे। इतना जानने के बाद आपको जानना है पैरोल के बारे में कि पैरोल होता क्या है, पैरोल में काम कैसे करते हैं। ठीक है, पैरोल किस लिए यूज़ किया जाता है, इस चीज़ के लिए आपको वीडियो आपको देखना पड़ेगा, और वीडियो में हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डाल दिए हुए हैं। हमारा वीडियो बहुत आपको आगे तक मिलेगा, लेकिन इधर का भी वीडियो हम टैक्सेशन का वीडियो नहीं डाले हैं, ये भी हम डाल देंगे कुछ दिन में, कल परसों तक में या कुछ दिन में हम वीडियो डाल देंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे तरीके से हमारा वीडियो को भी आप देखते हैं, फॉलो करते हैं हमारा वीडियो को, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि टैली में क्या क्या समझ में समझाया जाता है, क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कंटेंट आपको समझ में आ गया है क्या क्या कंटेंट होता है, और अगर कोई कंटेंट ऐसा होगा जो आप नहीं पढ़े होंगे, तो आप हमारा वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बना हुआ है टैली ERP 9 कैसे सीखे, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सारा कंटेंट के बारे में डाला हुआ है, स्टेप बाय स्टेप डाला हुआ है। ओके, तो आप प्लीज़ जाइए हमारे चैनल पे, और चैनल में आपको मिलेगा प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में ही आपको दिखेगा टैली ERP 9 कैसे सीखे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया, तो प्लीज़ सबसे पहला नंबर में वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।